हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज कुछ अच्छा सीखते में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों ने मुझसे पूछा, मैंने फ्रिक्शन स्लैब विद क्रैश बैरियर की वीडियो बनाई थी जो बोर्ड के ऊपर थी, उन लोगों को ये समझ में नहीं आया कि फ्रिक्शन स्लैब और क्रैश बैरियर क्या होता है। दो अलग अलग चीज़ है लेकिन दोनों एक साथ जुड़ी हुई होती है, और एक चीज़ जो है वो इसके ऊपर जिसके ऊपर गाड़ी दौड़ती है, और एक चीज़ है जो जिसको गाड़ी को नीचे जाने से प्रोटेक्ट करता है। जो ये पोर्शन देख रहे हैं, जो खड़ा पोर्शन है, वर्टिकल पोर्शन है, इसको क्रैश बैरियर कहते हैं, आप इसको देख सकते हैं। और इसकी टोटल हाइट है ये 1200 mm। यहाँ पे आप जो ग्रू देख रहे हैं, गैप देख रहे हैं, ये 100 mm का है। ये 50 mm कोपिंग के ऊपर चला जाता है, 50 mm कोपिंग के अंदर चला जाता है, और ऊपर में उसके हिसाब से 1150 बचता है। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं, ये पोर्शन हंच पोर्शन है, और इस हंच पोर्शन में अपना पीकूसी आएगा ऊपर में। अगर बीसी रहता है तो बीसी आता है, या पीकूसी रहेगा तो पीकूसी आएगा। ये रिजिड पेमेंट का काम चल रहा है, यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं। तो इसमें इसके ऊपर पीकूसी आएगा, तो इसमें 225 mm का ये जो है, इसका जो थिकनेस है वो 225 mm है, और इसके ऊपर 75 mm का पीकूसी आएगा, तब जाके यहाँ तक मैच हो जाएगा। और यहाँ से ऊपर जो क्रैश बैरियर है वो आपको हमेशा दिखेगा। ये जो आप दिख रहे हैं यहाँ सलिया, ये जो सामने छोड़े हुए है, ये सलिया को पूरा 15-15 या 30-30 meters तक हम लोग इसको ये फ्रिक्शन स्लैब की लंबाई 2.25 meters है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, 3 meters, 2 meters कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, इसको देखिए, या हुक दिया है या होल दिए, दो होल और ये दो हुक दिए हुए आपको दिख रहे हैं। इसके सहारे इसको उठाया जाएगा, हाइड्रा के सहारे, क्रेन के सहारे, और इसको उसके ऊपर रखा जाएगा कोपिंग के ऊपर। और रखने के बाद इसके हुक काटे जाएंगे, और इसके ये जो यहाँ पे सलिया दिख रहा है, इसमें बाइंडर डाल के, 12 mm का बाइंडर डाल के हम लोग इसको पूरा स्टिचिंग करेंगे, पूरी थ्रू आउट पूरा एक कास्टिंग सिटू में कंक्रीट करेंगे, ताकि इसका जो बना रहे, इसकी मीन्स ये पीछे लुढ़क ना जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी रहे, और उस हिसाब से ये फ्रिक्शन स्लैब काम करता है। बाकी डिटेल्स तो मैंने इसके यूजेस वगैरह आपको उस वीडियो में बताइए, मैं लिंक में उस वीडियो को दूंगा, ताकि आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था शॉर्ट मेरी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।